Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rizwan. Hello दोस्तों, मेरा नाम रिजवान है. आप सभी कैसे हैं? मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में सब कैसे हैं. आप कहाँ से हैं ये भी बताइए ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं. मैं आजकल आप सभी को स्पेनिश भाषा के कुछ ऐसे लेटर सिखा रहा हूँ जो अंग्रेजी भाषा से भिन्न है. मतलब वो दिखते तो सेम ही है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, सही क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे शब्दों में, ये आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा. और मैंने ऑलरेडी पिछली कुछ दो वीडियो तीन बना रखी है, वो आप जरूर देख लीजिएगा. उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैं एक पीडीएफ भी बना के शेयर करूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप पढ़ के मतलब सीख सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने उसमें लिख रखा होगा हिंदी भाषा में उसका उच्चारण लिख रखा होगा. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जे जो कि स्पेनिश भाषा में होता होता है और होता है ये क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा. आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है. आखिर तक देखने के साथ ही आपको जो भी समझ में आया उसका उच्चारण आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा. चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा. और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जो अपने इस बेरोजगारी के दौर में अपने अंदर कोई नया स्किल पैदा करके अपने कदमों पर खड़े होना चाहते हैं. मैं आप सभी की मदद करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों की मदद की मुझे दरकार है. मुझे अपने चैनल पे खूब ढेर सारे लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो जितना ज्यादा हो सके आप मेरी मदद करिए. और आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके. तो चलिए दोस्तों सीखना शुरू करते हैं क्या है सही उच्चारण जे का स्पेनिश भाषा में हिंदी माध्यम से. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जब जे जो है वो शुरू में आ रहा है और जे बीच में आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोता या होता क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं जब जे शुरू में आता है तो उसका साउंड जो होता है वो हा के जैसा आता है. हा, हिंदी का हा से हल. और हमको अगर बीच में यूज करना होगा जब, तो वहां पे हम खा, खा से खरगोश, है ना. और ये खा क्या होता है, ये उर्दू में खा में नीचे जो नुक्ता लग जाता है ना, तो उसका इस्तेमाल खा होता है. तो ये खा होता है, खा के जैसा प्रोनाउंस करते हैं, खा के जैसा प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा. सबसे पहले है देखिए हार्दिन, 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 हार्दिन. जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हिंदी भी पढ़ाता हूँ स्पेनिश के माध्यम से, तो अगर मुझे लिखना है कि राम जाता है तो है जब बताना होता तो उसको एच ए आई नहीं लिखता हूँ, क्योंकि एच आपको मैं बता चुका हूँ साइलेंट होता, तो उनको बताना पड़ता है जे लिखता हूँ, मतलब खोता लिखता हूँ, फिर ए आई खाए, तो हमारे लिए तो जय हो जाता है ना, अंग्रेजी में जय हो जाता है. लेकिन यहाँ पे हम है बोलेंगे जे का यूज करते हुए. तो पहला हो जाएगा हार्दिन, हार्दिन. तो डी के बाद जो आई है, आई के ऊपर जो मात्रा है वो है दिलेर मेहंदी या कैलाश के, मतलब टिल्डे. जब भी वो आएगा तो हमको उस लेटर पे जोर देके उसको पढ़ना है. तो हार्दिन, हार्दिन. ठीक है, अगला है जैसे साबुन, सोप. हार्दिन का मतलब गार्डन होता है, आपको मतलब बगीचा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं. फिर दूसरा है हाबोन, हाबोन, हाबोन. तो यहाँ पे बोन, बोन. ठीक है, हाबोन, हाबोन. ठीक है, फिर उसके बाद है हाउला, हाउला, केज, हाउला, हाउला. फिर जूस, हुगो, 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 हुगो. फिर जिराफा कैसे बोलते हैं, हिराफा, हिराफा, हिराफा. और जो मंथ होता है हुनियो, और जुलाई को हुलियो. मेरे साथ दोहराएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, तो इसलिए मेरे साथ दोहराइए. हार्दिन, हाबोन, हाउला, हुगो, हिराफा, हुनियो. वेरी गुड, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में और भी एग्जांपल लिख सकते हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी तैयार हो जाए और मुझे पता चले कि आपने सीखा. अब मैं जब जे का इस्तेमाल बीच में होता है तब आपको बताता हूँ कैसे होता है. जैसे पहला है चेस, इसको कैसे बोलते हैं, अखेद्रेस, 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 अखेद्रेस. अगला है एग्जांपल. अब जो ई होता है उसको एग्जांपल नहीं बोलेंगे, ए, ई का साउंड क्या होता है, ए, अंग्रेजी का जो ए होता है वही,
ejemplo, ejemplo, plo, ejemplo, ejemplo. फिर जो सिलना है उसको कैसे बोलते हैं? तेजेर, 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 तेजेर. फिर ओल्ड को क्या बोलते हैं? viejo. v का साउंड क्या होता है? बा होता है. तो viejo, viejo, viejo. फिर कॉस्ट्यूम, traje, traje, traje. समझ में आ गया जे का एग्जाम्पल? जे जब शुरू में आएगा तो कैसा बोला जाएगा और जे जब बाद में आएगा तो कैसे बोलेंगे उसको हम. और अगर आपको समझ में आया तो भैया जितने भी वर्ड आपको पता चल रहे हो 10 या 5 आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा. वीडियो को जितने लोग लाइक करेंगे मुझे संख्या पता चलेगी कितने लोगों ने सही से स्पेनिश सीखी है. और जो लोग आखिरी तक वीडियो देखे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. आप लोग देर सवेर स्पेनिश बहुत ही जल्दी सीखेंगे इंशाल्लाह. मेरी दुआएं आपके साथ में हैं. अगली वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कुछ नए लेटर्स स्पेनिश भाषा के जो अंग्रेजी से भिन्न है. तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक लिए नमस्ते, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अडियोस, अल्लाह हाफिज, बाय बाय. Please all my dear friends do not forget to like my video because your like is a big big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.